का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो, ये आम आदमी की सभा है। बहुत बहुत नमस्कार। इस समय मैं सुल्तानपुर लंबुआ तहसील में लंबुआ विधानसभा के निर्दल प्रत्याशी के रूप में आज अपना नामांकन कर करके आए हुए श्री जगदम्बा प्रसाद गोस्वामी जी से रूबरू होने चल रहे हैं। आइए जानते हैं, मुख्य रूप से मैं बात करने चल रहा हूँ श्री जगदम्बा प्रसाद गोस्वामी जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लाइव 100 में। धन्यवाद गोस्वामी जी। अभी तक आज आपने पर्चा अपना दाखिल किया है निर्दल प्रत्याशी के रूप में, मुख्य रूप से क्या योजनाएं हैं आपकी इस क्षेत्र के विकास में, इस क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, हमारा क्षेत्र हमेशा विकास से पीछे रह जाता है, आधा अधूरा रह जाता है। लोग आते हैं, वो अपने परिवार का अपना विकास करते हैं, अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं और बड़ी संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। हमारा क्षेत्र विकास से अछूता रह जाता है। हमारा उद्देश्य अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है, हर क्षेत्र में हम कोरोना वायरस हैज नॉट गॉन येट बट द गुड हैबिट्स हैव गॉन। गेट दोज हैबिट्स बैक, वेयर योर मास्क ओवर द नोज टू, गेट वैक्सीनेटेड, मेंटेन 2 meters सोशल डिस्टेंस एंड वॉश हैंड्स विद लाइफबॉय और एनी सोप। प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम कोरोना वायरस इज नाउ इन योर हैंड्स। समाज का विकास करना चाहते हैं, जैसा कि यह पवित्र स्थल है आदि गंगा गोमती का ऐसा अचल है जो कि तीर्थराज धोबाप के रूप में जाना जाता है, इसको भी हम विश्व पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं। और अपने क्षेत्र का, चाहे वो रोड के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में इसका विकास करना चाहते हैं। अभी तक आप भाजपा की राजनीति कर रहे थे, भाजपा के समर्थित आप कार्यकर्ता रहे, बहुत सारा काम आपने भाजपा के बैनर के नीचे किया है, पार्टी से आप टिकट की भी अपेक्षा रखते थे, ऐसा क्या हुआ जो पार्टी ने आपको चुनाव नहीं लड़ाया? देखिए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि शीर्ष नेतृत्व जमीनी लेवल पर कार्य करने वाले युवा कार्यकर्ताओं को तवज्जो दे, क्योंकि युवा कार्यकर्ताओं को आपने अक्सर मुझे लाइफ बॉय को प्रमोट करते देखा है, पर आज मैं कहूंगी कि जो भी साबुन हो आपके पास उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि साबुन से हाथ धोना कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता है। ये जिम्मेदारी हम सब की है। को कहीं तवज्जो नहीं मिल रही है, युवाओं को कहीं ठौर नहीं मिलता, युवा को सम्मान नहीं मिलता है, युवा को राजनीति में अवसर नहीं प्रदान किया जाता है। मैं अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए राजनीति में उनकी सहभागिता मांगने के लिए आ रहा हूं, और मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले भी था, हूं और रहूंगा भी। हमारे क्षेत्र की जनता हमें जिताकर भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करने जा रही है, और निश्चय ही हमारे क्षेत्र की देवतुल्य जनता मुझे भारी मतों से जिताकर भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करेगी। इस क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने चुनाव को लेकर? देखिए, मैं इस देवतुल्य अपनी क्षेत्र की जनता से, चूंकि यह आदि गंगा गोमती का पवित्र आंचल में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति देव स्वरूप हैं, चूंकि निश्चय ही कोई पवित्र कर्म उनका रहा होगा जिसलिए हमारे इस विधानसभा में उनका जन्म हुआ, मैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि हमें कम से कम, यदि वो किसी पार्टी से जुड़े हैं। अरे, मशीन से कुछ निकल रहा है। ये गुड नाइट गोल्ड फ्लैश है, इससे फ्लैश वेपर से निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मच्छर चाकू की तरह छुपे रहते, इसीलिए फ्लैश मोड में फ्लैश वेपर्स पुलिस की तरह कोने कोने छुपे डाकू मच्छर फूट के थपाक थपाक 30 मिनट बाद नॉर्मल मोड में ऑटोमेटिकली। नए डाकू मच्छर आए तो हर 4 घंटे फ्लैश वेपर्स फिर निकल के थपाक थपाक। गुड नाइट गोल्ड फ्लैश छुपे मच्छर को थपाक।